मनारा चोपड़ा है काफी ज्यादा दर्द में और अपना दर्द जो है बताती हुई नजर आई विक्की भैया और अंकिता को। अब मनारा को फ्रेश दिखना है, काफी सारी एक्टिविटीज होने वाली है क्योंकि फैनाले वीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी और मिडनाइट एविक्शन भी होना है। अभी इन कंटेस्टेंट के लिए वोटिंग लाइन ओपन भी है, शाम 6 बजे ये वोटिंग लाइन बंद हो जाएगी, उसके बाद जो है बिग बॉस की जब मर्जी होगी तब वो एविक्शन करेंगे, किसी को घर से बेघर करेंगे। वो देखेंगे कि आखिरकार किसको सबसे कम वोट मिलते हैं। अब रही बात मनारा की, मनारा जो है योगा करने का सोच रही है क्योंकि उसको बहुत सुंदर, वो जो है ही बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर दिखाई देना है। मीडिया जब आई थी तब मीडिया ने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे, बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब जो है मनारा ने दिए, बट काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने जो है टारगेट किया मनारा को। और ज़्यादातर तो जो जो बहुत ही अच्छे दोस्त आए थे अंकिता लोखंडे के, जो कि अंकिता लोखंडे को सही और मनारा को गलत बता रहे थे, तो उनकी बातें जो है काफ़ी ज़्यादा दिमाग पे लग गई मनारा के। और मनारा काफ़ी ज़्यादा रोई भी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। रोने की वजह से जो है मनारा को लगता है कि उसका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुका है, और स्वेलिंग भी अगर नहीं भी हुआ है तो नसें जो हैं ये पूरा काफ़ी ज़्यादा अंदर की फेस की जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी हैं, जो कि मनारा को फील हो रही है, जिसके कारण मनारा जो है चीज़ को रिलैक्स करना चाहती है और योगा करना चाहती है, क्योंकि परफॉर्मेंस वगैरह होगी, परफॉर्मेंस अगर होगी तो वो बेटर फील करना चाहती है और फ्रेश नज़र आना चाहती है। हालांकि हर कोई फ्रेश नज़र आना चाहता है, तो सोचिए किसी के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लेना। और जैसे कि अंकिता का जो दोस्त मीडिया में आया था, जो मीडिया पर्सन है, उसने जो है कितना ज़्यादा मनारा को टॉर्चर किया कि मनारा की तबीयत तक बिगड़ गई है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।